नमस्कार, जनतंत्र तो टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा में 4.25 करोड़ की लागत से बने 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया है। सीएम ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 500 LPM का और जिला अस्पताल में 200 LPM का ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की है। वहीं इस दौरान सांसद अजय टमटा और विधायक रघुनाथ सिंह चौहान अल्मोड़ा में मौजूद रहे। अल्मोड़ा में ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद अब इसका लाभ न केवल अल्मोड़ा की जनता को मिलेगा बल्कि कुमाऊं की पहाड़ी जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन मरीजों के लिए संजीवनी है। ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा में ऑक्सीजन के 2 प्लांट बनकर शुरू हो गए हैं। ये अल्मोड़ा के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उत्तरकाशी दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज गंगा पुरोहितों का पूरा दल लोगनिवी गेस्ट हाउस मिलने पहुंचा। गंगा पुरोहितों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार से मुलाकात की है। इस दौरान गंगा पुरोहितों ने एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड के निरस्तीकरण की मांग रखी। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड का निरस्तीकरण होगा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में उपवास रखा। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और ध्वस्त हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों को रोक नहीं पा रही। प्रीतम सिंह ने प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक उपवास रखा और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बढ़ती महंगाई और कोरोना आपदा काल में लचर व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से और लोगों के सड़कों पर हुई मौत को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस दौरान हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांकेतिक उपवास रखा गया है, एक धरना प्रदर्शन दिया गया है और उसमें महंगाई के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दों को भी उठाया गया है। कोरोना काल में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हरिद्वार में साथ ही साथ प्रदेश में रही हैं उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जिले में कोविड से संबंधित कामों का निरीक्षण करते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना। तो वहीं सीएम के दौरे पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय पाल सजवाण ने कहा है कि मुख्यमंत्री बेतुकी बयानबाजी करने में माहिर हैं। बयानबाजी न करके अच्छा होता अगर सीएम कोविड-19 और चारधाम यात्रा से प्रभावित व्यवसायियों के लिए कोई बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करते तो अच्छा होता। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में राशन में चीनी को शामिल करने पर बयान दिया था कि आज़ादी के बाद ये कभी आपदा के समय तो राशन दिया जाता है, उसमें चीनी को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अब चीनी को राशन से जोड़ दिया गया है जिससे लोगों को इसका फायदा होगा। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी आनंद स्वरूप और पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने सिलथाम गांधी चौक सहित कई जगहों पर जायजा लिया है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इसी के साथ
बिना मास्क के बेवजह बाजारों में घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मास्क भी बांटे। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों को भी हिदायत दी गई है कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाए। अगर किसी दुकानदार ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पिथौरागढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है और ऐसे में बिना मास्क बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है। इस बीच व्यापार संघ 1 जून से राहत देने की मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार अभी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने साफ कर दिया है कि कोरोना के पहले फेज में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा 1500 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान से साफ है कि सरकार उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का समय बढ़ा सकती है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले फेस में उत्तराखंड का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 1500 के आसपास था। अभी आप 10000 से 1900 में आए हैं, लेकिन ये ऐसी संख्या नहीं है कि जिससे आप इत्मीनान से बैठ सके। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के स्पेयर स्पोर्ट्स बनाने वाली कंपनी में एक कर्मचारी की हत्या हो गई, जिसका सिडकुल पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि हत्या के बाद कंपनी के एचआर ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी कि कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अखिलेश की हत्या कर दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और इस मामले में जाँच शुरू कर दी थी। वहीं जाँच के दौरान जब पुलिस ने कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो मृतक अखिलेश के साथ एक अज्ञात व्यक्ति देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने जब इस आरोपी की पहचान की तो ये कोई और नहीं बल्कि मृतक का चचेरा भाई उपेंद्र कुमार निकला। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज रुड़की के झबरेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने 20 बेड के एक कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन देहात क्षेत्रों में लोगों के इलाज के लिए हरिद्वार और देहरादून के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने एक निजी अस्पताल में कोविड सेंटर भी खुलवाया ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। इस अस्पताल में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और ऑक्सीजन है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लोग लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं, निशुल्क दवाइयां भी कोविड सेंटरों में भेजी जा रही हैं। इस कोविड सेंटर से देहात क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए लगातार सक्रिय दिख रही है। आम आदमी पार्टी को किस तरह से मदद यहां आम लोग पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर जनतंत्र टीवी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कोरोना के इस समय में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बहुत सारे योजनाएं चला रही है, कई सेवा कार्य भी कर रही है। इसको लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया जी मौजूद हैं। सर, अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो इस समय पे किस तरीके की योजनाएं आप लोग चला रहे हैं, खासकर कोरोना को लेकर? देखिए, हम पूरे प्रदेश भर में ऑक्सीजन जांच केंद्र की योजना के माध्यम से ऑक्सीजन जांच केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कि हम मेनली जो टारगेट कर रहे हैं वो गाँव को कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में अभी तक जो स्वास्थ्य सेवाएँ वो नहीं पहुँच पाई हैं, जाँच नहीं हो पा रही है। इसलिए हम वहाँ गाँव में ही एक ऑक्सीजन जाँच केंद्र खोलेंगे, जिसमें कि ऑक्सीमीटर होगा, आईआर थर्मामीटर होगा, साथ ही साथ दवाइयों की किट होंगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होंगे, जिससे कि प्राइमरी तौर पे जिस भी को वो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोग भी ऑक्सीजन जांच करेंगे, साथ ही साथ टेम्परेचर भी नापेंगे और जिसको भी दिक्कत लगती है
उसको एक मेडिकल किट जो है जिसमें दवाइयां हैं जो प्राइमरी तौर पे दी जानी चाहिए वो उसको हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद अगर किसी को और ज़्यादा दिक्कत लगती है तो फिर वो उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करेंगे। और पूरी की पूरी जो सिस्टम है इसमें हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं क्योंकि सुदूर एरियाज़ में ऑक्सीजन रिफिलिंग अपने आप में एक चैलेंज रहेगा, इसलिए पूरा पूरा जो सिस्टम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर जाएगा, इसलिए हमारे को रिफिलिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सर ये जितनी भी आप ये हेल्थ को लेकर काम करें इसको हेल्थ वर्कर या डॉक्टर्स के व्यवस्था आप कैसे करेंगे? देखिए जो चीज़ हम आइसोलेशन सेंटर तक जब जा रहे हैं तो आइसोलेशन सेंटर में ज़्यादा मेडिकल एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो प्राइमरी तौर पे हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि हर एक गांव में एक डॉक्टर बैठा देंगे तो वो संभव नहीं है। हम एक गांव में इतना कर दे रहे हैं कि लोगों को एक जो एक तरीके से प्राइमरी रिलीफ है वो मिल जाए, उसके बाद अगर वो रिकवर करता है तो अच्छा, उसको नहीं तो फिर शहरों की तरफ उसको आपको एक तरीके से उसको रेफ़र करना ही पड़ेगा। सर क्या उद्देश्य रखा कि कब तक आपकी ये योजना धरातल पर उतर जाएगी? देखिए हम इसको लगभग 2 तारीख तक हम इसको लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे ये एनहांस होती जाएगी। अब कल सामान वगैरह आ गए हैं, सब किट रेडी हो गई हैं और फिर उसके बाद हम इसको पूरी तरह से इसको शुरू करने वाले हैं। सर लॉन्च कौन करेगा, किसके माध्यम से? इसमें लॉन्च की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले भी सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और केवल लॉन्च के चक्कर में वो लेट हुआ, वो ऐसा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि लॉन्च अब जो होना था वो हो गया, अब इसको हम पूरी तरह से गाँव में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब इस चीज़ के लिए कि केवल लॉन्च करने के लिए हम रुके रहे हैं वो ठीक नहीं है। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं बड़ी योजना है आम आदमी पार्टी की गाँव तक पहुंचकर गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करना। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ पंकज गरुड़ा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। कोविड कर्फ्यू के बीच भी ऋषिकेश में अवैध शराब की तस्करी करने वाले तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कोतवाली पुलिस ने देर शाम चेकिंग के दौरान एक कार को रोका, जहां चेकिंग में एक तस्कर 6 पेटी शराब के साथ पकड़ा गया है, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं जब पुलिस ने तस्कर से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि कुछ दूरी पर एक गोदाम में पड़ी मात्रा में शराब स्टॉक की गई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खैरी कला में बने एक गोदाम से 20 पेटी शराब बरामद की है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.